Hey guys, welcome back to the DIY channel. So guys, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही डिफरेंट ब्रेकफास्ट ऑप्शन लेके आया हूँ। बच्चों को अगर आप टाइम टाइम पे कुछ अलग कुछ डिफरेंट खिलाते रहें तो वो बिल्कुल नाटक नहीं करते खाने में और बहुत अच्छे से भी खाते हैं। तो ऐसी कुछ आज की हमारी ये रेसिपी है, बहुत ही ईजी, थोड़ी सी डिफरेंट और बहुत ही हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। तो पीटा ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बना लेंगे, और डो बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है ईस्ट को एक्टिवेट करना। तो यहाँ पे मैंने ड्राई ईस्ट लिया है। फ्रेश ईस्ट अगर आप लेते हो तो उसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ड्राई ईस्ट के केस में उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ पाउडर की हुई शुगर यानी कि चीनी, और इसमें मैं डालूंगा ल्यूकॉम वाटर यानी कि बिल्कुल गुनगुना पानी, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि शुगर जो है वो डिजॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे पानी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो भी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ तो भी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। अब हमने इसको इसी तरह से बस 10 मिनट तक छोड़ देना है। तो ये हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा झाग झाग हो गया ऊपर, और ये झाग पूरा ऊपर तक आ गया है। वैसे आपको इतनी देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हल्का सा ऊपर से एक झाग की लेयर जब बन जाती है तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक बोल में एक कप मैदा लेंगे और आधा कप आटा लेंगे, हाफ टी स्पून नमक, और हमारा एक्टिवेट किया हुआ ईस्ट। अब इसको पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो बना लेना है इसका, और अब इसके अंदर हम एक टेबलस्पून ऑयल भी डाल देंगे। तो ये जो डो है ये हमारा रेडी है बिल्कुल, और इसको हम इसी बोल में ढक के रख देंगे प्रूविंग के लिए लगभग आधे घंटे के लिए। अब हम बना रहे हैं योगर्ट यानी कि दही और ताहिनी की एक बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी डिप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल में ताहिनी लेना है जो कि सेसमी सीड्स का पेस्ट है यानी कि तिल का पेस्ट है। ये बहुत ही आसानी से आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, और अगर अमेज़ॉन से नहीं लेना चाहते हैं तो घर पे आप तिल को रोस्ट करके उसका पेस्ट बना लीजिए। तो ये वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच ताहिनी, इसके साथ में यहाँ पे मैंने एक छोटी क्लोव और एक बड़ी क्लोव लहसुन के लिए, इनको मैं इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट कर लूँगा। तो ये लहसुन का पेस्ट मेरे पास रेडी है, ये डाल दूँगा मैं ताहिनी के अंदर। रोस्टेड जीरे का पाउडर और लगभग आधे नींबू का जूस, और इन्हें एक बार हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम हंग कर्ड या फिर ग्रीक योगर्ट, जो भी आपको मिले आप डाल सकते हैं। हंग कर्ड बनाने के लिए आप नॉर्मल दही लीजिए और उसको मसलिन क्लॉथ में यानी कि पतले से एक कॉटन के कपड़े में टांग दीजिए। नींबू में थोड़ा सा और डाल लेता हूँ, और लास्ट चीज़ रह गई इसमें सॉल्ट, तो नमक भी इसमें एडजस्ट कर लेंगे, और ये हमारी जो डिप है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये योगर्ट और ताहिनी डिप रेडी है बिल्कुल, और इसको हम एज अ स्प्रेड यूज़ करेंगे सैंडविच में। और अब सैंडविच की सब्जियाँ हम रेडी कर लेते हैं। ये है देखिए इंग्लिश कुकुम्बर, वैसे नॉर्मली मिलता नहीं है लेकिन इस बार मुझे मिल गया। तो सबसे पहले ये काट लेते हैं, इसके मैं पतले पतले स्लाइसेस काट लूँगा, लगभग इतने पतले सही रहेंगे सैंडविच के लिए। बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसेस सैंडविच में अच्छे नहीं लगते हैं। इंग्लिश कुकम्बर के बाद हमारे पास है यहाँ पे देसी टमाटर, इसके भी मैंने सेम पतले पतले स्लाइसेस काट लिए। और प्याज अगर आप डालना चाहते हैं सैंडविच के अंदर तो पतले पतले स्लाइसेस प्याज के भी आप ले सकते हैं। प्याज के मैं हमेशा रिंग्स डालता हूँ इसके अंदर, क्योंकि पूरे स्लाइसेस अनियन के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते सैंडविच के अंदर।
अब सब्जियों के बाद जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है सैंडविच के अंदर वो होती है लेटस। तो इस बार मैंने थोड़ा सा लेटस का भी जुगाड़ कर लिया है। वैसे नॉर्मली मिलती नहीं है मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा ग्रोफर्स वगैरह में अब मिलने लगी है इजीली। तो ये मैंने आज थोड़ा सा रेड लीफ और ग्रीन लीफ लेटस का भी जुगाड़ कर लिया है। तो ये हैं टोटल चीज़ें जो मैं सैंडविच में यूज़ करूँगा। तो ये हमारी सब्जियाँ पूरी रेडी हैं। चलिए अब डो की तरफ चलते हैं। तो डो जो है वो फर्मेंट हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है साइज़ में। अब इसको हम वापस नॉक बैक करेंगे, यानी कि इसकी जो हवा भरी हुई है इसके अंदर ये निकालेंगे। बहुत ज़्यादा अगर स्टिकी है डो तो थोड़ा सा मैदे की हेल्प से हम इसको इस तरह से थोड़ा सा नीट करेंगे। बिल्कुल हल्का सा इसको नीट करना है और उसके बाद हम डो को निकालेंगे सीधे अपने वर्किंग टेबल के ऊपर और इसको अब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जितने भी हम इससे पीटा ब्रेड बनाना चाहते हैं। अब इन्हें पकाने के लिए या तो आप ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह की किसी भी पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और पैन में भी बहुत आसानी से बहुत अच्छे पीटा ब्रेड बन जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे बेल लेना है। तो इस तरह के ओवल शेप में हमने इसे बेल लेना है और बेलने के बाद ये जाएगा सीधा पैन में। तो मीडियम हीट पे जिस तरह से हम रोटी पकाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे पकाना है और जैसे ही ये एक तरफ से थोड़ा पक जाए हमने इसे पलट लेना है। तो ये देखिए हमारी जो पीटा ब्रेड है वो इस तरह से फूल जाती है पूरी, और इस तरह से फूल गई तो समझ लीजिए आपकी जो ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी है। इसको निकाल लेते हैं, इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। और ये काम आप कन्वेक्शन ओवन में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ओवन है तो बहुत ईजी हो जाता है ओवन में ये काम। पीटा ब्रेड बनने के बाद अब है सैंडविच को असेंबल करने का काम। तो जो भी मैंने पीटा ब्रेड बना रखे हैं इनको मैं काट लूँगा कुछ इस तरह के शेप में। पीटा ब्रेड फूलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इसके अंदर स्टफ़ करना है, तो ये पॉकेट जो बनेगा इसके अंदर ही आप सैंडविच बनाएंगे। बट अगर नहीं भी फूलते हैं तभी भी आप इस तरह से काट के एक के ऊपर एक लगा के इनके सैंडविचेस आराम से बना सकते हैं। अब ये जो हमने ताहिनी योगर्ट सॉस बनाई थी ये लगाएंगे हम एज अ स्प्रेड इनके अंदर। तो इस तरह से सबसे पहले सैंडविच का स्प्रेड चला गया, उसके बाद इनके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी लेटस, थोड़ी सी ग्रीन वाली और थोड़ी सी रेड या पर्पल जो भी बोले आप इसे। इसके अंदर अब साथ में जाएंगे टमेटोज, कुछ स्लाइसेस चुकंदर के और थोड़े से नींबू। तो ये हमारा एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस सैंडविच रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी के सैंडविचेस बना लूँगा, आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो वैसे भी आज की हमारी रेसिपी, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे ऐसी ही मजेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।